कभी टेरानो, कभी डस्टर, कभी कैप्टिवा, कभी हेक्टर, ये चल क्या रहा है? रीबैजिंग। इंडिया में इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है टोयोटा की बलिनो और मारुति की ग्लांजा। क्या कर रहे हैं यार तू? मारुति की बलिनो और टोयोटा की ग्लांजा। रीबैजिंग, जिसे बैज इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ये प्लेटफॉर्म शेयरिंग से टोटली डिफरेंट होता है। अब आप बोलेंगे रीबैजिंग क्यों, नई गाड़ी बनाओ? इसके तीन रीजन है। पहला, कॉस्ट सेविंग। किसी भी गाड़ी को स्क्रैच से बनाने में करोड़ों लग जाते हैं। रीबैजिंग मतलब एक ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ी उठाओ, तीन चार चेंजेस करो, अपना बैज लगाओ, जैकपॉट। दूसरा, सेल बूस्ट। अगर इस गाड़ी का नाम सैंगयोंग टिवोली होता ना कि XUV 300, तो क्या आप ये गाड़ी लेते? टिवोली पे महिंद्रा का टैग लगते ही आज XUV 300 एक सुपर हिट गाड़ी है। हालांकि XUV 300 को रीबैच टिवोली कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। तीसरा, चीपर कार। सिंपल है, अगर किसी भी ब्रांड का एक पर्टिकुलर मॉडल ज्यादा क्वांटिटी में मास प्रोड्यूस होगा तो इवेंचुअली उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगा, मतलब ज्यादा अफोर्डेबल कार्स। इनफैक्ट हमारी देसी टाटा इंडिका भी यूके में रीबैच सिटी रोवर के नाम से बिकती थी। तो क्या आप रीबैजिंग पे इनडेप्थ वीडियो देखना चाहेंगे? हमें बताएं कमेंट्स में। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।